जम्मू क्षेत्र के सात जिलों जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ और उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा के 40 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले इस फेज के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री ताराचंद और मुजफ्फर बेग सहित 415 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत दांव पर है। आपको बताएं, पहले फेज में वोटर्स की संख्या काफी अच्छी रही थी। 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38%, 26 सितंबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वोरा है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है तैयारी। रजत, अब आखिरी फेज की वोटिंग होनी है, कई इनकी सीट्स है जहां पर ये वोटिंग होगी, कई बड़े चेहरे भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 40 विधानसभा सीटें हैं इस आखिरी चरण में। 7 जिले हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें 3 जिले कश्मीर घाटी के और 4 जिले जम्मू संभाग के, जिनमें कठुआ, जम्मू, उधमपुर और सांबा शामिल हैं। और कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा में ये वोटिंग जो है वो होनी है। 16 कश्मीर घाटी की हैं और 24 सीटें जम्मू संभाग की हैं। पूरी तरह से तैयारियाँ जो है वो की जा रही है, खासतौर पर उस समय जब लगातार जम्मू संभाग को दहलाने की कोशिशें जो है वो आतंकियों द्वारा की जा रही हैं। कठुआ जिले के मांडली इलाके में बिलावर के वहाँ पर एक आतंकी मुठभेड़ जो है सुरक्षा बलों के बीच में हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। एक हेड कांस्टेबल बशीर अहमद भी उसमें शहीद हुए और उसके बाद अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। करीबन 5060 टोटल पोलिंग स्टेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तीसरे चरण के लिए, आखिरी चरण के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें से 29 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इलेक्शन तो हैं ही, बट काफ़ी संवेदनशील भी हैं, क्योंकि जम्मू एपिसेंटर रहा है पिछले कुछ महीनों में आतंकी गतिविधियों का। ऐसे में बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है। वहीं अगर बात करें तो कश्मीर घाटी की जो पिछले 2 से 3 दिनों में हिजबुल्ला के टॉप जो आतंकी की जो हत्या हुई है, जो किलिंग की गई है उसकी इजराइल द्वारा, उसके बाद भी थोड़ा टेंशन का माहौल था। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इस तरह के हालात ना बने कि जिसकी वजह से वोटिंग रोकनी पड़े या लोगों को किसी तरह की चिंता हो। ऐसे में बड़े पैमाने पर तैयारियां जो है वो यहां पर की गई है। जी साक्षी जी, तो रजत से हमने पूरी डिटेल्स ली कल के होने वाले मतदान में क्या क्या तैयारियां हैं। धन्यवाद करेंगे रजत, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।